अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव माही। आजकल चल रहा है बारिशों का सीज़न और मेरा दिल कर रहा था कि मैं पकौड़े खाऊं, और इसलिए मैं जा रही थी किचन में पकौड़े बनाने। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गर्मा गर्म पकौड़े बनाते हैं और उसको बारिश के मौसम में इन्जॉय करते हैं। यकीनन सब जगह बारिश हो रही, तो आपके अभी हो रही होगी, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करते, दो प्याज ले लें आप स्लाइस में कटी हुई, और दो हरी मिर्चें ले लें बारीक कटी हुई, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच छोटी हुई लाल मिर्चें, एक चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच नमक और एक चम्मच चाट मसाला और एक चुटकी मीठा सोडा। एक कप लेंगे हम बेसन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे कि इसका एक बैटर बन जाए। बैटर ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छा सा बैटर बना लेते हैं। बैटर बिल्कुल तैयार है, अब जल्दी से चलते हैं और उनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने इतना तेल लिया है कि जितने में हमारे पकौड़े फ्राई हो जाएं। अब इसमें हम पकौड़े डाल लेते हैं। आपने इनको स्लो आंच पे जो है फ्राई करना है। अगर हम तेज़ आंच पे करते हैं तो हमारे पकौड़े अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं और अक्सर ये होता है कि वो फूलते भी नहीं है, तो इसलिए आपने इनको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अब देखिए जैसे नीचे से हो गए हैं, तो मैं इनको पलट लेती हूँ। ये देखिए पकौड़े हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। और अगर आपको मेरी पकौड़ों की रेसिपी पसंद आई है तो इनको ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी मज़ीद वीडियो देखनी है तो बेल आइकन पर क्लिक कर दें। गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं और इसको आप चटनी या किसी भी केचप के साथ सर्व कर सकते हैं।